तो आज मैं ट्राई करने वाला हूँ निसिन का हॉट एंड स्पाइसी कोरियन नूडल्स, वेज फ्लेवर है। तो यहाँ पर इसका नॉन वेज फ्लेवर भी अवेलेबल था, पर मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए मैंने वेज फ्लेवर लिया है। और यहाँ पर इसकी प्राइस देख ले, सबसे पहले तो 49 रुपीज़ का पड़ा है, मतलब ये नॉर्मल मैगी से दो गुना ज़्यादा प्राइस पे है, 49 का है। और ये मुझे ऑफ़र में पड़ा है तो ये कम का ही होगा, 49 रुपीज़ प्राइस लिखी है। और सबसे पहले इसके डायरेक्शन देख लें, कुकिंग इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले इसको उबालना है नूडल को, फिर यहाँ पर इसका जो है नूडल्स का सारा पानी निकाल देना है, फिर इसको पानी निकालने के बाद सीजनिंग मतलब ऐड करनी है, और फिर ये मिक्स वेल मतलब मिक्स करना है, और फिर इसको सर्व कर देना है मतलब खा लेना है। तो चलिए इसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले इसको उबालने के लिए रख देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम गैस जला देते हैं इसको थोड़ा लो फ्लेम पे, इसको भी हटाएंगे हम। और अब चढ़ाते हैं इसके ऊपर पानी, और अब बारी है इस नूडल्स को खोलने की। तो देखिए जिस तरह की दिखती है, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ। और ये मैं मॉल गया था तो मैंने देखी इसका, काफ़ी वीडियोस देखी है, और मैं ये मॉल गया था इसलिए मैंने ले ली वेज फ्लेवर। तो चलिए सबसे पहले खोल के देखते हैं। अब मैंने पैक को खोल लिया है, और वैसे इसके अंदर देखते हैं और क्या क्या है। वैसे तो नूडल्स निकलेगी, और ये है ऑयल, सीजनिंग ऑयल, इसको भी हम साइड रखेंगे। और अब आता है इसके अंदर से एक मसाला भी निकलना चाहिए, लिखा तो था। और भाई साहब ये मिक्स मसाला है, सीजनिंग मसाला, और ये दोनों चीज़ है। और यही इंस्ट्रक्शन में डायरेक्शन में दी हुई थी कि इसको ही मिला के आपको बाद में खाना है, और बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है, मैं दिखा दे रहा हूँ। बाकी इसके अंदर नूडल्स है। तो चलिए अब हम इसे इसको बॉयल होने के लिए डाल देंगे। तो ये बॉयल होने के लिए हमने रख दी है नूडल्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सिंपल नूडल्स और मैगी आती है उसमें ना इसकी जो लेयर रहती है वो काफ़ी पतली रहती है, और मतलब इसके अंदर कुछ मसाला भी लगे हुए हैं, इसे देख सकते हो आप, मसाले भी लगे हुए हैं। तो मैंने इसको एकदम अक्की ही डाल दी है, पर हम इंडियंस की आदत ऐसी रहती है कि मैगी को तोड़ मरोड़ के, बहुत से लोगों की आदत रहती है कि तोड़ मरोड़ के फिर उबालने की, जिससे टुकड़े बहुत ज़्यादा हों उसके। पर यहाँ पर हमने इसको एकदम अक्का की अक्का ही डाल दिया है, और इसको चलिए अब उबलने देते हैं। और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि हम यहाँ पर सिंपल अगर मैगी, जो उबली मैगी बनाते हैं उसमें सबसे पहले हम, हमारी आदत रहती है कि नमक और मिर्च मसाले डाल देते हैं, पर अभी हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे। जो डायरेक्शन में दिया है सिर्फ हम वही फॉलो करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा मिक्स नहीं करेंगे, वो हमको खाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या इसमें कमी है। तो इसको थोड़ा ऐसा पलट देते हैं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, मतलब घुल मिल जाए, इसलिए हमने इसको सेगा ही डाल दिया है। और देख सकते हो आप कुछ इस तरह की दिखती है। और चलिए मिलते हैं आपको ये मैगी तो नहीं कहेंगे, नूडल्स उबलने के बाद। तो ठीक 5 मिनट पूरे होने के बाद यहाँ पर हम इसके पानी को निकाल रहे हैं, इस नूडल्स के पानी को। तो चलिए इस पानी को निकाल देते हैं। तो यहाँ पर अब हमने इसका सारा पानी निकाल लिया है इस नूडल्स का, और अब बारी है इसमें सीजनिंग डालने की। तो हम ये डाल देते हैं सीजनिंग, चारों तरफ फैला देंगे, और ये हमने सीजनिंग डाल दी। और आपको एक बात बता दूं कि सीजनिंग खोलते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये काफ़ी भरा हुआ रहता है जिससे ना ढुल सकता है, और अभी ढुला है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसको हम साइड में रख देंगे, और अब बारी है इसमें ये इंस्टेंट मिक्स, क्या सीजनिंग मिक्स। तो ये है मसाला इसका, आप देख सकते हो सीजनिंग मिक्स। तो यहाँ पर इसको हम डाल देंगे, सारा डालना है, सर कंजूसी नहीं करना है कि बाद में बचा के हम काय में भी मिला के खा ले, इसको सारा डालना है। तो दोस्तों अब हमने मिला लिया है इसको, और हम मतलब डाल दिया है मसाले और सीजनिंग ऑयल को, सीजनिंग मिक्स मसाला और ये सीजनिंग ऑयल। और अब बारी है इसको फाइनल टच देने की, मतलब इसको मिलाने की। तो यहाँ पर ध्यान रखना है इसको अच्छे से मिलाना है,
अब देखते हैं यार, मैं भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो इसको अच्छे से मिलाना है। तो फूडीज़, हमने इस नूडल्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से मिलाया है और थोड़ा सा टाइम लगा है, 2-3 मिनट का टाइम है या फिर 5 मिनट तक, मैं तो बोलता हूँ आप मिलाते जाइए जब तक इसका कलर कुछ ऐसा नहीं दिखता। और ये ना रियल आपको ये दिख रहा होगा कि नहीं, थोड़ा दूर करके देखता हूँ। और ये ना इसका कलर काफ़ी रेड है, वैसे तो ये आपको अभी कैमरे में थोड़ा पीला दिख रहा होगा, पर ये इसका कलर काफ़ी रेड है और देख सकते हो आप ये कुछ इस तरह की दिखती है। और अब बारी है इसको टेस्ट करने की और रेटिंग देने की, तो चलिए फटाफट इसे टेस्ट कर लेते हैं। खुशबू तो अच्छी आ रही है और ये देखते हैं टेस्ट करके। एक और बार ट्राई करेंगे क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आती हमको। भाई मान गए, मेरे को ऐसा लग रहा था कि ना, जैसा कि ना मैं देखती आता हूँ वीडियोस में भी काफ़ी देखा है कि ये जो नूडल्स रहती है, मतलब मेरे को ऐसे वीडियो में देखने में अच्छी नहीं लग रही थी, बट मैंने इसका टेस्ट जब करा ना, रियल टेस्ट, और ये जो गाइस लिखा है ना, टेस्ट तो इसका कमाल का है, हॉट एंड स्पाइसी। भाई ये सिर्फ नाम का हॉट एंड स्पाइसी नहीं है, मैं खुद एक स्पाइसी मतलब खाना खाने वाला इंसान हूँ, तो यहाँ पर जो हॉट एंड स्पाइसी लिखा है ना, ये देख सकते हो आप, हॉट एंड स्पाइसी, बिल्कुल इसके नाम जैसा ही इसमें जो है हॉट एंड स्पाइसी है। आपको पहली बाइट लेते हुए तो पता नहीं चलेगा, पर जब इसकी दूसरी बाइट लोगे ना, तो आपके ना मतलब एकदम ही चरका नहीं है इतना भी, पर जो बहुत ही कम खाता है उसके लिए काफ़ी चरका है। वैसे ना ये जब आप 2 बार खाओगे ना, 2-3 बार, तो आपको इसका स्पाइसीनेस वाला फ्लेवर आपको पता चलेगा। और ये वैसे वेज फ्लेवर है। अब इसमें जो नॉन वेज लवर है ना, मतलब बोलना तो नहीं चाहता, पर जो नॉन वेज लवर है उनके लिए चिकन वाला मतलब था अवेलेबल, तो वो ले सकते हैं। और आप कमेंट करके बताना कि किस किस ने ये हॉट एंड निसिन का हॉट एंड स्पाइसी कोरियन वेज फ्लेवर नूडल्स खाया है, तो कमेंट करना भूलिए मत। तो आप देख सकते हो, और एक और बार ट्राई करूंगा, अभी रेटिंग देना बाकी है इसको, तो एक और बार ट्राई कर लेता हूं। इसका टेस्ट इतना भी बेकार नहीं है, मतलब भाई टेस्ट तो कमाल का ही बोल रहा हूं मैं, बट हाँ है थोड़ा, मतलब जो हम मसाला वसाला मिलाते हैं हमारा मैगी का ये सब, पर वो तो अब वही जापानीज नूडल्स जैसा है, कोरियन नूडल्स है, तो थोड़ा मतलब डिफरेंट मसाले टेस्ट तो रहेगा ही। तो यहाँ पर इसका टेस्ट एकदम बढ़िया है और इसमें हॉट एंड स्पाइसी मतलब बहुत ही स्पाइसी नहीं है, कुछ ज़्यादा भी नहीं, और स्पाइसीनेस थोड़ी बहुत है जिससे आपको ना एहसास होगा कि हाँ ये भाई चरकी तो है, चरकी है एकदम ही, फीकी भी नहीं है, चरकी है ये थोड़ी। तो कमेंट करना ना बोले कि किस किस ने ये ट्राई करी है और उनको कैसी लगी है। और अब आई है रेटिंग देने की, तो इसको मैं 10 में से 8 ज़रूर दूंगा, क्योंकि भाई आप इसकी रेटिंग से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी शानदार नूडल्स है ये। और 2 जो पॉइंट रह गए हैं मैंने आपको बता ही दिए हैं, 2 नंबर इसको इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये जो हमारे इंडियन जो मसाला रहता है वो उससे थोड़ी मेल नहीं खाती है, और वैसे ये मैंने बोला है कि कोरियन नूडल से तो थोड़ा मतलब डिफरेंट तो रहेगा ही इसका टेस्ट एंड फ्लेवर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बहुत ही बढ़िया दिख रही है खाने में। चलिए इसे फटाफट फिनिश करता हूँ और मैं इसको इंजॉय करता हूँ, और जब तक आप मेरे फूड पॉकेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और इसी तरह की कमाल की और यूनिक वीडियोस आपको देखने को मिलेगी मेरे फूड पॉकेट चैनल पे। तो आप बेल आइकन तो दबा ही दीजिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।